हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा लेक्चर है सोडा लाइम, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, जल्द से जल्द से समझेंगे। एक बात आपको फिर से बता दूं, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द नीट काका जी एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर नहीं होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो व्हाट इज सोडा लाइम? देखिए, दो वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक आपके पास में होता है सोडा और एक आपके पास में होता है लाइम। सोडा फॉर NaOH, लाइम फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सोडा लाइम, इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO इन द रेशियो ऑफ 3:1। व्हाट इज द एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इज decarboxylation of carboxylic acids. To form alkanes. तो ये हमारे पास में 3:1 में होता है, ठीक है। और decarboxylation of the carboxylic acid. Decarboxylation मतलब होता है रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेसिक फंक्शन होता है सोडा लाइम का, मतलब आप जब ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। RCOH, वन सेकेंड प्लीज, कैरी आउट द रिएक्शन। RCOH इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, you heat this, you get RH plus CO2, ठीक है। तो decarboxylation यहाँ पर है, there is removal of CO2, और जब decarboxylation होता है तो उसका और क्या impact आता है? number of carbons decreases। तो जो decarboxylation reaction है उसका use क्या हो जाएगा? डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज़ हो जाएगा टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। अब कैसे होता है वो यूज़, इसको हम लोग आने वाले टाइम में समझेंगे। बट फिलहाल के लिए आपके पास में ये है सोडा लाइम, 3:1 में होता है। और अब आगे समझते हैं कि डिकार्बोक्सिलेशन होता कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आपको मज़ा आने वाला है। This is going to be an amazing lecture. So when we talk about the decarboxylation, देखिए क्या होता है decarboxylation में, आपके पास में कोई सा carboxylic acid है, you react with NaOH plus CaO and heat this, you get this RH plus CO2. अब ये reaction कैसे होती है ये हम लोग step by step समझते हैं। देखो सबसे पहले ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उस कार्बोक्सिलिक एसिड में टेंडेंसी होती है हमेशा किसके साथ में रिएक्ट करने की, बताइए। ऑब्वियसली बात है, बेस के साथ में रिएक्ट करना चाहता है वो। तो जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर दिख रहा है, ये सबसे पहले इस सोडा लाइम से, किससे रिएक्ट करेगा सबसे पहले भागकर? तो सबसे पहले रिएक्ट करेगा ये किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और जब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगी तो हमारे पास में फॉर्मेशन होगा किसका? सॉल्ट का प्लस वाटर। कौन सी रिएक्शन हुई है? एसिड बेस रिएक्शन। देखिए सोडा लाइम के साथ में एक और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट लिखा है, और वो आपके पास में हीट। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे इग्नोर नहीं कर सकते मैं आपको समझाता हूँ। तो आपके पास ये बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट कॉम्प्लेक्स एनायन, इसलिए नाम के पीछे लगाया अपने 8। तो जो RCO- आपके पास में जनरेट हुआ है, RCO- Na+, यहाँ पर अब काम आती है हीट। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, अगर मुझे
अगर मुझे क्या बनाना है, अगर मुझे सी ओ टू बनानी है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनना चाहिए इस जगह पर, इस जगह मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने चाहिए, ये तो रेजोनेंस हो जाएगा कुल मिला के, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पाई बॉन्ड बनना चाहिए, और यहाँ पाई बॉन्ड बनने का मतलब है कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, 5, जो हो नहीं सकती। और इसके लिए आपको ये जो बॉन्ड दिख रहा है इस बॉन्ड को तो बनाना है और इसको ब्रेक करना है। अब पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन से कभी भी इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि वो किसी सिग्मा बॉन्ड को ही तोड़ दे, समझ रहे हैं ना आप लोग बात को। अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो पाई बॉन्ड ही ब्रेक होता है, जैसे अपन रेजोनेंस में देख चुके हैं, क्योंकि वहाँ एनर्जी इक्वल होती है, तो दिस इज़ हाउ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पर आपको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना है सी ओ टू के लिए, लेकिन ब्रेक करना है किसको, सिग्मा बॉन्ड को, तो अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। दैट इज़ द रूल ऑफ हीट। देखो कहीं पर भी रिएक्शन में मजाक मजाक में नहीं लगा देते हैं, हाँ चलो ठीक है रिएक्शन हो रही तो चूल्हा जला लो जला लो, हाँ हाँ ठीक है जला लिया, ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास में क्या बनेगा, R माइनस प्लस सी ओ टू, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सही बोला, नहीं गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला, पाई बॉन्ड बन रहा है और सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इसलिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, बिना हीट के ये कार्यक्रम नहीं हो सकता साहेब। तो आपके पास में बन गया अब कार्बेनाइन, एंड कार्बेनाइन इज द इंटरमीडिएट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, इंटरमीडिएट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग क्या बोलेंगे साहेब, हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, कार्बेनाइन कॉमन सेंस की बात है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है द इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। तो यहां पर इंटरमीडिएट आपके पास में कौन है, कार्बेनाइन, समझ में आती है बात। अब जो R- है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो जहाँ बन गया वहीं तबाही लाना चाहता है। अब जो R- है, देखो R- जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस तो है ही और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों ही काम बखूबी कर सकता है। तो अब देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो अब हम लोग क्या करवा सकते हैं, जो R माइनस है ये वापस, ये जो CO2 रिलीज हुई है इसी के ऊपर अटैक करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि CO2 आपको पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर इजीली अटैक करेगा, वापस से क्या बना देगा RCO माइनस। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है कैल्शियम ऑक्साइड। कैसे इस्तेमाल करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सोडा लाइम में है और ये जैसे ही रिलीज होगा इसको खा जाएगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, दोनों आपस में मिलेंगे सॉल्ट बनाएंगे, सॉल्ट का नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और कॉमन सेंस की बात है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड के O2- ने बेसिकली CO2 को इलेक्ट्रॉन ही दिया है, जिससे एट द एंड ये किस में कन्वर्ट हो गया है, CO3 2 माइनस, ठीक है। तो ये रिएक्शन ना हो इसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कार्बेनाइन की वापस से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से या बैकवर्ड डायरेक्शन को प्रिवेंट करता है, कौन, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब हमारे पास में देखिए इस रिएक्शन में एक चीज़ बची है, वो है वाटर जो एक रिलीज हुआ था। तो आगे देखते हैं क्या होता है, कुल मिला के आपके पास में जो RCO माइनस Na प्लस था वो हीट से R माइनस और CO2 में कन्वर्ट हो गया, इसका जुगाड़ हमने कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड से। जो R माइनस है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और किसको रिलीज करता है, कॉमन सेंस की बात है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, वाटर है जैसे डिहाइड्रोजन, R- इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर्मेशन होगा RH का और साथ में OH- जो Na+ के साथ में कंबाइन करके वापस से बनाएगा।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऐसे ही जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हीट की वजह से वापस से ब्रेक हो जाएगा बाद में। बाद में ब्रेक किस में हो जाएगा? वो बाद में ब्रेक हो जाएगा दो बेसिक सब्सटेंसेस में, और वो बेसिक सब्सटेंस आपके पास में कौन कौन से होंगे? वो बेसिक सब्सटेंस आपके पास में होंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज ये कैटलिस्ट था तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और फाइनली आपके पास में सिंथेसिस किसका हो गया? एल्केन का। तो हमने फिलहाल क्या सीखा है? तीन चीज़ें सीखी है। CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट्स बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? तो आपके पास में कौन है? आर माइनस, दैट इज व्हाट? कार्ब एनायन। ठीक है, रोल ऑफ हीट कुछ है? बिल्कुल है। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में और सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकडाउन में, नॉर्मली जो पॉसिबल नहीं है वो ये करवा देती है। अब हम कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत फास्ट, और आप लोग सभी लोग पूरा एंथुजियाज्म के साथ में पार्टिसिपेट करिएगा। इस वीडियो के आखिर में आपको एक होमवर्क दिया जाएगा क्वेश्चन, उसको आपको जवाब कमेंट में बताना है। तो सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। ये आपके पास में एसिड दिए हुए हैं, इनके ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बताने। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके इंटरमीडिएट्स बनाने हैं। यहाँ बनेगा CH3CH2-, यहाँ बनेगा CH3CH3, यहाँ बनेगा CH3C-CH3 और CH3। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्ब एनायन ये होगा, क्योंकि 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, और जो कार्ब एनायन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही डिकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर होगा। ये आपके पास में क्या है? लीस्ट स्टेबल कार्बन है, क्योंकि CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट है वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने की वजह से आपके पास में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। समझ में आ रही ना बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3-कीटो पेंटेनोइक एसिड डिकार्बोक्सिलेट ऑन सिंपल हीटिंग इवन इन द एब्सेंस ऑफ सोडा लाइम, की जरूरत ही नहीं है, सिंपली डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है। क्यों भाई, ऐसी क्या खासियत है? देखते हैं। तो ये आपके पास में मेन कार्बन है, ये अल्फा और ये बीटा है, तो इसको हमने क्या बोला? इसको बोल दिया हमने बीटा कीटो एसिड। क्या बोल दिया हमने इसको? बीटा। देखो क्या होगा, अगर आप CO2 बाहर निकालते हैं तो ये इंटरमीडिएट बनेगा, अल्फा के ऊपर नेगेटिव इज स्टेबल वाया रेजोनेंस। तो कार्बेनायन इज हाईली स्टेबल, ड्यू टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से जब हाईली स्टेबल है, तो हाईली स्टेबल जब यहाँ पर ये कार्बेनायन होगा तो डिकार्बोक्सिलेशन, आपको पता ही है रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, दैट इज द कार्बेनायन। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। सार की बात क्या है? सार की बात यह है दैट बीटा कीटो एसिड डिकार्बोक्सिलेट वेरी इजीली इवन इन द एब्सेंस ऑफ सोडा लाइम। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। ये सारे एसिड दिए हुए हैं और आपको बताना है, क्या बताना है आपको? रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। तो बना लेते हैं, ये सारे के सारे बीटा कीटो एसिड हैं, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ये सारे के सारे क्या हैं? बीटा कीटो एसिड हैं। तो ये बनाया हमने CH2- CH3CO CH2- OCH3CO CH2-। तो कौन सा पार्ट यहाँ पर कॉमन है? देखो ये पार्ट तो सब में कॉमन है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, सबका कॉमन पार्ट है, डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, किसी काम का नहीं है, इसका प्लस इफेक्ट होता है,
तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से एनायन जो होता है नेगेटिव चार्ज, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, धक्का देगा तो यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा तो इवन रेजोनेंस भी उसको उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पर ये OCS3 है, इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, और प्लस एम इफेक्ट होगा तो इस नेगेटिव चार्ज के साथ में इसका लोन पेयर कम्पीट करेगा, किस में जाने के लिए, रेजोनेंस में जाने के लिए कम्पीट करेगा, तो इसका इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है किससे, रेजोनेंस से। इसका लोन पेयर भी यहाँ पर जाना चाहता है, ये भी जाना चाहता है, तो इफेक्टिव स्टेबलाइजेशन। तो सबसे इफेक्टिव स्टेबलाइजेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को कोई मतलब ही नहीं है, ये खुद के मस्त है बिल्कुल, तो यहाँ रेजोनेंस आसानी से होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, कॉम्पिटिशन थोड़ा बहुत है, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बात समझ में आ रही है आपको, सो दैट विल बी द, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, सेम विल बी द ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही आपके पास में डिकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर आता है। बात समझ में आ रही है, आगे देखो, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, यहाँ दो कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। ये जो कंपाउंड आप देख पा रहे हैं ना, जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये एक ब्रिज हेड कंपाउंड है, ब्रिज हेड, ठीक है, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, और ये जो ब्रिज हेड कार्बन होता है, ब्रेट्स रूल होता है, ब्रेट्स रूल के हिसाब से ब्रिज हेड जो कार्बन होता है, इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कभी भी sp2 नहीं हो सकता। sp2 होने का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, इसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, इसके ऊपर फ्री रेडिकल नहीं आ सकता, इसको ब्रेट्स रूल कहते हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आपने किसको हटाया, अगर आपने यहाँ से किसको हटा दिया, वन सेकेंड, ब्रिज बनने में तो बहुत तकलीफ होती है भाई, अगर आपने यहाँ से CO2 को हटाया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस में इस तरीके जाना पड़ेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ब्रेट्स रूल, ब्रिज हेड कार्बन जो है वो कभी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन क्या था, अल्दो इट इज़ बीटा कीटो एसिड बट नॉट रिएक्टिव फॉर डिकार्बोक्सिलेशन, रीजन ब्रेट्स रूल, जो क्या स्टेट करता है कि ब्रिज हेड कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड या फिर रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ओके, अंडरस्टूड। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेट्स रूल में आपको डिटेल में चाहिए तो आई विल लेट यू नो, यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई अल्फा नाइट्रो एसिड्स डिकार्बोक्सिलेट इजीली। तो अल्फा नाइट्रो एसिड्स आप ऐसे बना सकते हैं, ये आपके पास में एक मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, अगर आप CO2 बाहर निकालेंगे तो आपके पास फॉर्मेशन होगा CH- एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो अगेन इट इज़ स्टेबल वाया रेजोनेंस। सो अल्फा नाइट्रो एसिड्स में जो कार्बेनाइन होता है वो स्टेबल होता है वाया रेजोनेंस, इसलिए ये भी अल्फा नाइट्रो एसिड्स आर लाइक बीटा कीटो एसिड्स, डिकार्बोक्सिलेट वेरी इजीली। आगे चलते हैं, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है जी, एडवांस में जब सब्जेक्टिव होता तब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखिएगा एक बार, इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए, दिस इज वेरी ग्रेट क्वेश्चन, यू विल लव दिस क्वेश्चन। देखिए ये Br2NOH है, दिस इज द व्हाट दे आर ट्राइंग, हेलोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में ये तीन हाइड्रोजन है। तो अगर तीन हाइड्रोजन है तो A और B क्या बनेंगे, और हीट करने पर क्या होगा, तो एक बार इसको देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर तीन आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा, CO और CBr3। फिर OH- का अटैक होता है, उस OH- के अटैक से ये ग्रुप बाहर चला जाता है। अगर आपको डिटेल में इसका मैकेनिज्म पढ़ना है तो यू कैन डाउनलोड द नीट काकाजी एप्लीकेशन, यू विल लर्न ओवर देयर, बहुत अमेजिंग तरीके से समझाया हुआ है वहाँ पर, CH3 और COH। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल को बहुत ध्यान से देखते हैं, ए और बी तो आपको समझ में आ गया ना, बी हमने क्या बोल दिया,
ये सी एच बी आर थ्री, क्योंकि ये ग्रुप बाहर जाएगा तो एच प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, सी एच बी आर थ्री का फॉर्मेशन होगा और ए आपके पास में ये बन जाएगा। अब ए को जब आप हीट करते हैं तो ए को एक बार आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास में अल्फा कार्बन है और ये इस सी ओ एच के रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन है, तो ये आपके पास में क्या है, बीटा कीटो एसिड। इसको सिंपल हीट करने की देर है और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगी, CO2। तो आप इसे जस्ट सिंपली अगर आप हीट कर रहे हैं तो उस केस में भी, ठीक है, आप जब इसको सिंपली हीट कर रहे हैं क्योंकि बीटा कीटो एसिड है, तो इट विल डिकार्बोक्सिलेट टू फॉर्म दिस। ओके, यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन रहेगा। तो ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको हेलोफॉर्म टेस्ट, डिकार्बोक्सिलेशन, बीटा कीटो एसिड सभी के बारे में आइडिया है, तभी आप आंसर दे पाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब। लास्ट जिसका आंसर आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन, ये जो आपको दिख रहा है वो बेंजोइक एसिड है और ये आपके पास में है फिनाइल एसिटिक एसिड। दिस इज द फिनाइल एंड दिस इज द दिस वॉज एसिटिक एसिड, जहाँ से आपने हाइड्रोजन को हटा दिया और बेंजीन लगा दिया तो उसको बोले फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन दोनों में से कौन इजीली डिकार्बोक्सिलेट होगा। ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर एंड होपफुली यू विल, ऑल पीपल विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन विद द सेम एंथुजियाज्म जो अभी तक आप लोगों ने दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि पूरे एंथुजियाज्म के साथ में आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा एक बार, मैं आइडिया आपको देता हूँ, ये यहाँ पर कार्बन एन ये बनेगा और इस केस में, ऊपर वाले केस में ये बनेगा। एक और बात आपको बता देता हूँ हिंट के तौर पर, बेंजीन रिंग जो होती है उसी के ऊपर जब पॉजिटिव नेगेटिव या फिर रेडिकल होता है तो वहाँ रेजोनेंस जैसा कुछ नहीं होता है, देर इज नो रेजोनेंस एट ऑल, यहाँ पर रेजोनेंस बिल्कुल होगा। तो फिर भी आप सोचिएगा, जवाब दीजिएगा, आई विल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, और जो भी चीज़ आपको इसमें ठीक लगी है, कुछ अगर आपको लगता है कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, कोई आपका डाउट है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।